जय जोहार संगवारी हो, आप मन के स्वागत है हमारे YouTube चैनल रवि ध्रुव सीजिम संगवारी हो। आज मैं अपन पाताल भैरवी मंदिर के दर्शन करावत हूँ। संगवारी हो, वीडियो के आखिरी तक मोर संग बने रहो। ये पाताल भैरवी मंदिर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव शहर में बने, जिन बहुत सुंदर मंदिर है, बड़का मंदिर है। मंदिर है शिवलिंग के आकार में बने हैं। संगवारी हो, हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत कम शहर में बड़े बड़े मंदिर है, जैसे बिलासपुर में त्रिफलाकाली मंदिर है, रायपुर में बंजारी मंदिर है, उसने बहुत बड़का मंदिर माता रानी का मंदिर, पाताल भैरवी माता का मंदिर राजनांदगांव शहर में बने हैं। राजनांदगांव शहर के कोनो मिल गलू यहाँ तक के आबर ऑटो मिल जाते, जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कोई पारा बस तीन यहाँ ऑटो मिल जाते मंदिर तक के आयबर। मंदिर के आजू बाजू सामने बड़का जगह है, पार्किंग बर मैदान है। संगवारी बहुत संगवारी भाई बहनी में जिन तीर्थ यात्रा मन निकल रही थी, बस में बैठ के घलो यहाँ लाते, तब बस खड़ा करे बर घलो जगह है, गाड़ी मोटर खड़ा करे बहुत बढ़िया बड़का जगह है। संगवारी हो, माता रानी की आशीर्वाद लाज मैं माता रानी के दर्शन करे बर आये हूँ। अभी मैं मंदिर में हूँ। मंदिर बहुत सुंदर बने संगवारी, आप मन देख सकत है, कतका सुंदर ग्रेनाइट लगे, सफेद पत्थर लगे, माता रानी के भव्य बहुत बड़का सुंदर मंदिर है। जय माता रानी। भगवान शिव के छिन्न अवतार है संगवारी, जेखन नाम है भैरवनाथ। भैरवनाथ भगवान शिव जी के अवतार है, उसने माता भैरवी है, माता पार्वती के अवतार है। भैरव बाबा माता भैरवी है, शिव शक्ति के अवतार है, उखर स्वरूप है। आप मन देख सकत है संगवारी, कतका सुंदर माता रानी की भव्य प्रतिमा दिखत है। जय माता पाताल भैरवी। माता पाताल भैरवी प्रतिमा बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत बड़का प्रतिमा है संगवारी। माता रानी की प्रतिमा लगभग 10 फीट के आसपास हो सकते हैं ऊंचाई में, और सुंदर चार भुजा है माता रानी की, बिल्कुल माता काल रात्रि का दिखत है। माता पाताल भैरवी स्वरूप है, बिल्कुल माता काली असन दिखत है। ये मंदिर में माता पाताल भैरवी के अलावा द्वादश ज्योतिर्लिंग घर है, मतलब 12 ठन महादेव घर है। माता पाताल भैरव द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे बहुत दूरिया दूरिया संगवारी भाई मन आते, श्रद्धालु भाई मन आते बहुत दूरिया दूरिया ले। ये मंदिर है राजनांदगांव के बहुत बड़का मंदिर है, जिन बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर में बढ़िया सफ़ेद रंग के ग्रेनाइट, काला रंग के ग्रेनाइट, मतलब सफ़ेद पत्थर, करिया पत्थर लगे, बढ़िया टाइल्स घरों लगे दीवार मन में। माता पाताल भैरवी के दर्शन के बाद संगवारी हो, अब ऊपर कोती चलते हैं, ऊपर मतलब दूसरा मंजिल में माता कालरात्रि और भगवान शिव की बहुत सुंदर प्रतिमा है। संगवारी हो, अगर आप हमारे चैनल में नवा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो, जेखल हमारे अवैया नवा नवा वीडियो की सूचना आप मन तक के पहुँच जाए। मंदिर के दूसरा मंजिल में संगवारी हो, आप मन देख सकते हैं माता रानी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। जय माता रानी। बहुत बड़का मंदिर है संगवारी हो, आप मन देख सकते हैं कतका सुग्घर नीचे में ग्रेनाइट पत्थर लगे, चारों मुड़े टाइल्स लगे हैं। माता रानी की प्रतिमा बहुत सुंदर ऊँचा सिंहासन में विराजमान है। ये मंदिर में 12 महीने श्रद्धालु भाई मन आते, अपन कोई भी मौसम आ सकता है संगवारी, जैसे राजनांदगांव आओ कुछ काम से घूमे बर या राजनांदगांव के हो, तब हो अपन 12 महीना आ सकता है। मंदिर रोज खुला रही थे। अब मैं अपन द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा था संगवारी, अपन देख सकता है कतका सुंदर भगवान महादेव के निराकार स्वरूप विराजमान है। अपन देख सकता था चारों मुड़ा भगवान सदा शिव के बहुत सुंदर निराकार स्वरूप हवा है। मंदिर के ऊपर बड़का नंदी महाराज दिखते संगवारी, आप मन देख सकते बहुत बड़का ऊंचा सिंहासन नंदी महाराज के, कतका सुंदर भव्य प्रतिमा बनाए गए है, बहुत बड़का त्रिशूल घर दिखत है। हमारे भारत देश में द्वादश ज्योतिर्लिंग संगवारी हुआ, अलग अलग राज्य में ज्योतिर्लिंग तेले, यहाँ एक ही मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी गई है। मंदिर परिसर बहुत बड़का है संगवारी, मंदिर के ऊपर भव्य नंदी महाराज के दर्शन होते। ये मंदिर है शिव शक्ति के मंदिर है संगवारी, यहाँ शिव शक्ति के अवतार जिससे माता पाताल भैरवी है, माता कालरात्रि भगवान शिव के हम मंदिर आए। ऐसे तो मंदिर में 12 महीने श्रद्धालु मनाते संगवारी, फिर नवरात्रि के समय में दोनों नवरात्रि में चैत नवरात्रि में कुमार नवरात्रि में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, दूरे दूरे श्रद्धालु भाई बहनी यहाँ दर्शन करे बर आते। कुछ जन संगवारी जिन बस में तीर्थ यात्रा पर निकल रही थी, ते मन लौटे बेरा घर हो या जाए बेरा घर हो, बस में बैठ बैठ के यहाँ घर हो श्रद्धालु भाई मन दर्शन करे बर आते। ये मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग की बहुत सुंदर जिन कथा कहानी तेल दीवार मन में लिखे गए बोर्ड में, चारों मुड़क दीवार में सुंदर भगवान सदस्य की जिन लीला है जिन कथा है तेखर बारे में जानकारी लिखा है संगवारी दीवार में। द्वादश ज्योतिर्लिंग में महाकालेश्वर, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर, बैगनाथ, केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, पूरा जिन द्वादश ज्योतिर्लिंग हमारे भारत देश के अलग अलग राज्य में जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में,
दक्षिण भारत में, मध्य भारत में वो द्वादश ज्योतिर्लिंग की मंदिर में स्थापना करे गए हैं। ये तो रही संगवारी हो हमारे राजनांदगांव के पाताल भैरवी माता के दर्शन, काली माता के दर्शन, भगवान शिव के दर्शन, द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन, बड़कर नंदी महाराज के दर्शन कैसे लगी कमेंट करके बताऊ। अब ये नवा बेरा माँ नवा जगह फिर मिलबो संगवारी हो, तब तक बस जय जवाहर जय छत्तीसगढ़, खुश रहो मस्त रहो, हमारे वीडियो देखत रहो। और नवा हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लो संगवारी हो, जेखर अब नवा नवा वीडियो सूचना आप मन तक पहुँच जाइए। हर महादेव।